तो हम तीनों हो गए नौकरी वाले। कहाँ रिटर्न? तो ये आस्कोर कंपनी का पुराने वाले नोट तो मशीन भी नहीं ले रही, क्या कर सकते हैं। तो अभी चल रही है 1-to-1 ट्रेनिंग, इसके बाद एक ट्रेनिंग वर्कआउट और है पर्सनल ट्रेनिंग का, तो आने वाला होगा भाई अभी थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो अभी अभी मैं पर्सनल ट्रेनिंग दे के फ्री हुआ हूँ। जब मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किया था, जब एक दी थी उसके बाद एक भाई और आया था, फिर उसे वर्कआउट कराया। अभी 11:15 बज चुके हैं, फटाफट से पहले निकलते हैं। आज एक तो भूख लग रही है पता नहीं क्यों, कल रात मैंने डाइट भी अच्छी ली थी और दिन के मुकाबले ज़्यादा अच्छी ली थी, फिर भी बहुत तेज़ भूख लग रही है, कभी कभी सिस्टम ही समझ नहीं आता। तो फिलहाल पहले मुझे बैंक चलना है, कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं, उसके बाद हम सीधे चलेंगे घर। तो निकलते हैं फटाफट यहाँ से। पहले एक बार अटक गया था, बहुत परेशान किया था इसने। अबे सारे वापस कर दिए इसने पैसे। कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे। मुझे लगता है पुराना 100 का नोट नहीं ले गई है, दोबारा से डालता हूँ। मतलब समझ रहे हो, पुराने वाले 100 का नोट इसे पसंद नहीं आया, पुराने वाले नोट तो मशीन भी नहीं ले रही, क्या कर सकते हैं। इस घर पहुंचते ही फटाफट से सबसे पहले रेडी कर लिए अपने ओट्स, जैसा कि भूख लगी थी बहुत तेज। 11:05 हो रही हैं, फटाफट से खाते हैं, फिर रेडी होके जाना भी है। 2 hours later. So guys, नहा के हो गया हूँ रेडी और अभी फटाफट से निकलते हैं अपने सप्लीमेंट स्टोर, उससे पहले अपनी डाइट वगैरह पैक कर लेते हैं सारी चीजें फटाफट से। तो ये रखी अपनी डाइट पैक है भाई, अगर बॉडी बनानी है ना तो ऐसे ही बॉक्स ना पैक करके रखने पड़ेंगे अपने बैग में, जब भी बॉडी बन पाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों पे बहाने होते हैं, बहुत सारे कि भैया आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, ये वो। भाई ऐसे डाइट पैक करके रेडी करके ले जाओ, तभी बॉडी बन पाएगी। बाकी ये अपने कुछ ज़रूरी सप्लीमेंट, इन्हें फटाफट से खा लेते हैं। ये देखो, मल्टीविटामिन, ओमेगा 3, बायोटीन और अपना गोक्सुरा, ये सारे सप्लीमेंट भी ना बहुत ज़रूरी है, हर बार ही बताता हूँ मैं। तो बाकी आप ज़रूरी नहीं है इन सब कंपनी के यूज करें, आप कंपनी चेंज कर सकते हो, बाकी ये सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से इन्हें भी खाते हैं और निकलते हैं। तो अभी बैग पैक हो गया है, फटाफट से निकल लेते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, लास्ट वीडियो में आपने देखा था हम सिराब ले गए थे मुकुल को लेके इंटरव्यू दिलवाने के लिए, तो मुकुल बॉस की जॉब फाइनल हो गई है। जैसा कि 2 महीने पहले उसका बी फार्मा कंप्लीट हुआ था ना, 2 महीने से घर पर बैठा हुआ था, आराम कर रहा था, वरना जॉब तो पहले लग जाती। तो अब जॉब फाइनल हो गई है, 10 तारीख से ज्वाइनिंग है, तो हम तीनों हो गए नौकरी वाले। मम्मी से बात रही थी, मम्मी ने बताई नौकरी की ना भाई, मम्मी बताई थी नौकरी लगी गाँव में, बारिश हो रही है तो मम्मी ने बताई। वैसे मैंने बताया थी कल, मैंने मुकुल बॉस की नौकरी लग गई, 10 तारीख से ज्वाइनिंग है, ड्यूटी वाले हो गए अब। बेटा क्लीन सेव करके जाइए अब, लेकिन ना बोली तो मतलब बोलेंगे तभी क्लीन करेगा। फार्मा वालों की क्लीन रहनी चाहिए, कंपनी वाले हो तुम, कि बादल जैसा मौसम हो रहा है। कपड़े अंदर डाल दूं क्या, हो सकता है बारिश हो जाए? अरे नहीं हो सकती है भाई साहब, देहरादून की बारिश का क्या भरोसा। चलो चलते हैं फटाफट से, आज अभी तक कोई आया नहीं, 4 बज गए। डाइट वगैरह सब ले ली है, अपने वर्कआउट का टाइम हो गया है, 9 बज चुके हैं और आज मेरा पार्टनर वर्कआउट करने नहीं आ रहा है, तो मुझे आज अकेले वर्कआउट करना पड़ेगा, वो भी लेग्स का। हे भगवान, करना तो पड़ेगा। अभी चलते फटाफट से लगाते हैं अपना लेग्स का वर्कआउट। वैसे आज मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, ज़बरदस्त एकदम ठंडी हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। मेरे वर्कआउट निपटा लेते हैं फटाफट से। हेलो गाइस, तो आज है 2रा दिन और आज मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया बहुत ही बड़ा।
मतलब आज पहली बार में जिंदगी में संडे को ना कितना बजे उठा सोचो, 1 बजे, मतलब 9-10 तो उठता था, बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तो मैं 1 बजे उठा सो के भयंकर। और 1 बजे उठने के बाद जस्ट आधा घंटा मेरे को हुआ था, किसी कस्टमर का कॉल आ गया कि भैया दुकान पे आ जाओ कुछ सामान लेना है, तो सीधे मैं आ गया शॉप पे। तो अभी लगभग 2 बज रहे हैं और हम शॉप पे बैठे हुए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं खाया, ना कुछ प्रोटीन पिया, ना कोई डाइट ली, कुछ भी नहीं, ऐसे के ऐसे। अभी घर तो नहीं जा रहा हूँ तो इसलिए फटाफट से 1 स्कूप प्रोटीन पीते हैं और 2-3 ब्राउन ब्रेड खा लेते हैं। डाइट लेना तो जरूरी है, डाइट ना मिस कर सकते हैं। सो गाइस, अभी प्लान में थोड़ा सा चेंज है, मैं सोच रहा हूँ प्रोटीन नहीं पीता हूँ, फटाफट से 2 ब्रेड खाता हूँ, उसके बाद चलते हैं और आधा घंटा कर लेते हैं कार्डियो, जब टाइम मिल रहा है तो आधा घंटे कार्डियो अच्छे से लगा लेते हैं, उसके बाद पिएंगे प्रोटीन, मजा आएगा। बाकी एक चीज और बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आज से मैं अपने सप्लीमेंट स्टैक में एक चीज और ऐड कर रहा हूँ। आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो कुछ नया ऐड करते हैं, वो है एल-कार्निटाइन। तो ये आस्कोर कंपनी का एल-कार्निटाइन मैं ऐड कर रहा हूँ, वॉर फॉर्मूला करके आता है, 3000 mg का है, तो आज से हम ये यूज करेंगे। तो फटाफट से पहले ब्रेड खाते हैं, उसके बाद एल-कार्निटाइन पियेंगे और फिर चलेंगे हम अपने कार्डियो करने के।